नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस खास वीडियो में। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। तो चलिए जानते हैं कि कैसे बीतेगा आपका आज का दिन। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, आज कार्य संबंधित यात्राएं और सहयोग आने वाले दिनों में सकारात्मक परिणाम देंगे। कुछ महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क स्थापित होगा, जिसकी वजह से आर्थिक प्रभावशाली बने रहेंगे। बाहर के खान पान की वजह से पेट संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। कुटुंब और सहकर्मियों के साथ थोड़ा मन मुटाव होगा। मानसिक बेचैनी अनुभव करेंगे, स्वास्थ्य खराब होगा। अगर बात करें शुभ रंग की तो रंग लाल होगा, शुभ अंक 8 होगा। उपाय की बात करें तो सोमवार का व्रत रखें और शिव चालीसा का पाठ करें। वृषभ राशि, घरेलू मामले में महत्वपूर्ण विचार विमर्श करेंगे। घर की काया पलट करने के लिए नई योजना बनाएंगे। कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। व्यर्थ धन खर्च और कार्यभार आपके मन को व्यस्त रखेंगे। शुभ रंग की बात करें तो शुभ रंग है केसरी। शुभ अंक की बात करें तो अंक है 5। उपाय की बात करें तो शिव परिवार की पूजा करें। मिथुन राशि, अत्यधिक संवेदनशीलता और विचारों का बवंडर रहेगा। मानसिक अस्वस्थता अनुभव करेंगे। माता और स्त्रियों के मामलों में आपको चिंता रहेगी। यात्रा के दिन अनुकूल ना होने से यात्रा करना टाले। रंग की बात करें तो शुभ रंग ऑरेंज होगा। अंक की बात करें तो शुभ अंक 4 होगा। उपाय की बात करें तो शिव पर जल में काले तिल मिलाकर चढ़ाएं। कर्क राशि, मौज शौक और मनोरंजन की प्रवृत्तियों में आप सराबोर होंगे। मित्रों परिवार के साथ बाहर जाने का अवसर मिलेगा। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गृहस्थ जीवन में आनंद का वातावरण रहेगा। शुभ रंग की बात करें तो शुभ रंग गुलाबी होगा। शुभ अंक की बात करें तो शुभ अंक 3 होगा। उपाय की बात करें तो सूर्य देवता को जल अर्पित करें। सिंह राशि, संतान की समस्या से चिंतित रहेंगे। अपच, पेट दर्द जैसी बीमारियों की शिकायत रहेगी। विद्यार्थियों की पढ़ाई में विघ्न आएगा। बौद्धिक चर्चा और बातचीत में भाग ना ले। शुभ रंग की बात करें तो शुभ रंग आपका नीला रहेगा। वहीं शुभ अंक की बात करें तो शुभ अंक आपका 1 रहेगा। अगर उपाय की बात करें तो योग प्राणायाम का अभ्यास करें। कन्या राशि, परिवार में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक समय व्यतीत करेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यश, कृति और आनंद की प्राप्ति होगी। अगर शुभ रंग की बात करें तो शुभ रंग होगा हल्दी पीला। शुभ अंक की बात करें तो शुभ अंक होगा 1। उपाय की बात करें तो जरूरतमंद लोगों की मदद करें। तुला राशि, दिन मध्यम फलदायी साबित होगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ मन बुटाव संभव है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचे। व्यर्थ धन खर्च आपके मन को अव्यवस्थित रखेंगे। वहीं शुभ रंग की बात करें तो शुभ रंग हरा होगा। शुभ अंक की बात करें तो शुभ अंक 5 होगा। उपाय की बात करें तो जल में चावल मिलाकर शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। वृश्चिक राशि, परिवार के साथ खुशी पूर्वक दिन व्यतीत करेंगे। नए कार्य की शुरुआत करेंगे। घर में भाई बहनों के साथ मेल मिलाप रहेगा। मित्रों के साथ मिलन मुलाकात होगी। अगर शुभ रंग की बात करें तो शुभ रंग गेरुआ होगा। वहीं अगर शुभ अंक की बात करें तो शुभ अंक 6 होगा। उपाय की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। धनु राशि, विदेश में रहने वाले मित्र का समाचार मिलेगा। विदेश जाने के इच्छुक लोगों के लिए अनुकूल सहयोग बनेंगे। लंबी दूरी की यात्रा करने का अवसर आएगा। गृहस्थ जीवन में आनंद का वातावरण रहेगा। अगर आपके शुभ रंग की बात करें तो शुभ रंग नारंगी होगा और शुभ अंक 9 रहेगा। उपाय की बात करें तो हनुमान जी की पूजा करें। मकर राशि, किसी की जमानत लेने तथा आर्थिक लेन देन करने से बचना चाहिए, अन्यथा परेशानी में फंस सकते हैं। खर्च की मात्रा अधिक रहेगी। शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे। वहीं अगर शुभ रंग की बात करें तो शुभ रंग आपका पीला होगा और शुभ अंक 5 होगा। उपाय की बात करें तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। कुंभ राशि, निर्धारित कार्य सरलतापूर्वक पूरे होंगे। ऑफिस या व्यवसायिक स्थान पर आपका वर्चस्व बढ़ेगा।
गृहस्थ जीवन में आनंद का वातावरण रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। वही अगर शुभ रंग की बात करें तो शुभ रंग नीला रहेगा। शुभ अंक की बात करें तो शुभ अंक 4 रहेगा। उपाय की बात करें तो शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। मीन राशि, सामाजिक कार्यों या समारोह में भाग लेने का अवसर मिलेगा। मित्रों या स्नेहीन जनों के साथ की मुलाकात मन को खुशी देगी। पर्यटन का आनंद ले सकते हैं, स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर रंग की बात करें तो शुभ रंग सफेद लाल रहेगा। वहीं शुभ अंक की बात करें तो शुभ अंक 1 रहेगा। उपाय की बात करें तो हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।